डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में क्या आ गई थी दरार? क्या हेरा फेरी का पहला ही पार्ट कॉपीड था? और क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं हेरा फेरी के बेस्ट फ्रेंड्स? दर्शकों, दरअसल हेरा फेरी जो सीरीज है ये सबको पता है कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम वॉचर सीरीज है, लेकिन कम लोगों को ये पता है कि इसका पहला ही पार्ट यानी कि हेरा फेरी फिल्म ही ये जो कॉन्सेप्ट था ये कॉपीड था, कहीं से इंस्पायर था। जी हाँ दोस्तों, जहाँ इस मूवी में कुछ कॉन्सेप्ट्स कुछ मूवी से इंस्पायर हुए थे, वहीं आधे कॉन्सेप्ट्स इस मूवी के रियल ही थे। ऐसा कहा जाता है कि 1971 में एक फिल्म आई थी सी द मैन रन, और एक हिंदी फिल्म आई थी दो लड़के दोनों करके। इन दोनों के कॉन्सेप्ट को इनका बेसिक प्लॉट देखते हुए इन्हें उठाया गया था, जिसने हेरा फेरी के प्लॉट को अंजाम दिया था। लेकिन इसका जो ट्रायो का आइडिया था वो इनका खुद का था, इससे पहले किसी भी फिल्म में ये तिगड़ी का आइडिया इस्तेमाल नहीं किया गया था, और ये मेकर्स का सबसे पहला इनोवेशन था। सबसे पहले इसी मूवी में ये आइडिया देखा गया था। बता दें कि जहां कुछ मूवीज़ कोविड के बाद, पेंडेमिक के बाद ओटीटी रिलीज से जहां दूर हैं और सिर्फ थिएटर में ही मूवी के प्रमोशन को प्रमोट किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हेरा फेरी का बहुत बड़ा सेवियर है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो लोगों को इसके बारे में इतना पता नहीं था, इस कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा लाइक नहीं किया गया था, लेकिन जैसे ही इस मूवी को केबल टीवी पे रिलीज़ किया गया, लोगों ने इनकी तिगड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया, तभी ये मूवी इतना पॉपुलर हो पाई थी और तभी ये हिट हो पाई थी। तो इस बार भी मूवी के रिलीज़ होने के कुछ ही समय बाद हमें ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। मूवी के प्लॉट के साथ साथ मूवी के गाने भी लोगों को बहुत पसंद आए थे, सबसे ज़्यादा छन छनरन। लेकिन ये गाना जितना फेमस हुआ था, इस गाने की वजह से इस मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में उतनी ही दरार पड़ी थी। दरअसल हुआ ये था कि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे फिरोज नडियाडवाला, उन्होंने इस गाने को बिना प्रियदर्शन के ही शूट कर लिया था। जब प्रियदर्शन को इसके बारे में पता चला तब उन्होंने उनसे कहा, तो फिरोज नडियाडवाला ने कहा कि इस गाने के कॉन्सेप्ट से वो वाकिफ थे और इसके लिए उन्हें किसी की हेल्प नहीं चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने इसे फिल्मा लिया। लेकिन इस चीज़ से प्रियदर्शन नाराज हो गया और उनका ये कहना था कि जब सारे सीन्स दोनों ने मिलकर फाइनल किए हैं तो इसमें भी दोनों का ही योगदान होना चाहिए था। जिसके बाद ये कोल्ड वॉर बहुत लंबे समय तक चला था। इस फिल्म की रिलीज के बाद भी ये मीडिया में एक हॉट टॉपिक बना हुआ था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हेरा फेरी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी होस्ट पंखुड़ी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।